गुरु पूरा ज्ञान पूरा निरंकार भी पूरा है, पूरी तरी साध संगत दरबार भी पूरा है। क्या हम सब पूर्ण हैं? पूर्ण गुरु मिला है, पूर्ण निरंकार है, सदगुरु पूर्ण है, साध संगत पूर्ण है, दरबार भी पूर्ण है। क्या इस पूर्ण के साथ मिलकर हम पूर्ण हो गए? क्या सोचिए, नहीं हुए। तो आज का जो विषय है कि ब्रह्म ज्ञानी जो संत महात्मा, जो निरंकारी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा है, उनको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का मतलब वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कौन से वचनों का मतलब हमें वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किन किस नजरिए का हमें इस्तेमाल नहीं चीज़ें करना चाहिए, किन वचनों को हमें नहीं सुनना चाहिए, क्या व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। तो आज का विषय कुछ ऐसा ही है। भजन तो बहुत अच्छा है, गुरु पूरा ज्ञान पूरा रंकार भी पूरा है, पूरी तरी साध संगत दरबार भी पूरा है, और इस पूर्ण के साथ मिलके क्या हम पूर्ण हो गए? जो एक बाल्टी में पानी उसमें पूरा चीनी मिला दे शरबत बन गया, और वही पानी निकाल के गिलास में वही, तो उसमें मिठास क्यों नहीं है? उसमें मिठास क्यों नहीं है? उसमें स्वाद कुछ और क्यों है? पानी वही है, तो पानी तो वही है, बर्तन चेंज हो गया, उस बर्तन में कमी है। जो मजा बाल्टी के पानी के शरबत में आ रहा है वो इधर क्यों नहीं है? वो बर्तन की कमी है। तो चलते हैं, आज का विषय यही है कि ब्रह्म ज्ञानी संत महात्माओं को क्या क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, कौन से काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, भूल से भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बस पूर्ण के साथ मिलकर हम पूर्ण कभी नहीं हो पाएंगे। तो चलते आज का वीडियो शुरू करते हैं, और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे संत महात्मा जिन्होंने हमारे वीडियो क्लिक किया है, स्टार्टिंग की, बड़ी मेहरबानी होगी वीडियो पूरा देखे, क्योंकि हमें भी बहुत मजा आता है ऐसे वीडियो बनाने में, क्योंकि कहते कि ऐसे बोलते बोलते हमें भी लगता है कि यार तू दूसरे को संदेशा देता है, समझाता है। क्योंकि देखो क्लास में पढ़ाई एक जैसी होती है, जो हमारे सदगुरु एक ही वचन पढ़ाते हैं और लाखों करोड़ों के लिए मतलब लागू होता है, हम बाहर निकल के कुछ और जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा है उनके लिए। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं। जो वीडियो देख रहा है सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताना। चलते वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे निरंकारी संत महात्मा जी जो हैं उनके लिए ये जो वीडियो स्पेशल है, और भी जो हमारे बहुत से भाई हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, बहुत से लोग ऐसे भी देखते हैं। तो आज का जो विषय है, हम जो ब्रह्मज्ञानी संत, जो सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया है, हमें ब्रह्मज्ञानी कहलाया है, तो हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं कि पूरा तो शायद पता नहीं, शायद इतना ही है कि ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, और ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर। अब बताओ, आप ही परमेश्वर, जब हम परमेश्वर हैं, ज्ञान लेने के बाद हम खुद परमेश्वर हो जाते हैं, तो क्या परमेश्वर गुस्सा करता है? नहीं करता। परमेश्वर कभी गलत सलत बोलता है? नहीं बोलता है। कभी किसी के प्रति गलत नजरिया? नहीं। हमारे सदगुरु को देखो, सबके प्रति एक ही नजरिया। अगर हम कहीं किसी ऑफिस दफ्तर में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, और मालिक की भाषा बोलने लग जाए, तो मालिक सोचे अरे ये तो हमारी भाषा बोल रहा, इसको तो हमारी जगह देनी चाहिए। मालिक ने तुम्हें पूरी छूट दी है, जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, जहां मर्जी बैठो, जो मर्जी काम करो, जो मर्जी खाओ, जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, कुछ भी करो। और वो करते रहे हो, करते करते आप मालिक की भाषा बोलने लगे, तो मालिक देखे अरे ये तो बहुत अच्छा इंसान है, हमारी ही भाषा बोलने लग गया, तो जैसा हम बोलते वैसे ही बोल रहा, इसमें तो कोई फर्क नहीं, हम में इसमें कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा, ये तो खुद मालिक बन बैठा। अरे हमारे सदगुरु ने हमें क्या क्या बोला है, हर संत हमारा ही रूप है, कि संतों की सेवा सदगुरु की सेवा, सदगुरु की सेवा निरंकार की सेवा। ये पिछले वीडियो में बताए, तो हमें देखो अक्सर सत्संग में यही बातें हमें बताई जाती हैं। तो जब अपना ही रूप दे दिया, तो हमें फिर व्यवहार क्यों नहीं नजर आ रहा, व्यवहार हम अलग से क्यों कर रहे हैं?
व्यवहार भी वैसा ही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? मगर हम कहते हैं अगर हमें कोई गलत कहता है तो हम उसके प्रति ज़्यादा गलत करने की सोचते हैं। कोई तरक्की कर गया हमें जलन होती है, खुश होना चाहिए। ये मालिक खुश होता है जब इसके बंदे खुश होते हैं, जब इसके बंदे खाने में खुश, पहनने में खुश, काम करने में खुश, भूख में खुश, प्यास में खुश, तो मालिक वैसे ही खुश होता जितने हम खुश होते हैं, उससे 10, 20, 50, 100 कितने गुना खुश होता है कि मेरा भक्त, ये मेरा दास आज खुश हो रहा है। तो ब्रह्म ज्ञानी को खोजे में ऐसे ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर, क्योंकि वो जो बाल्टी का पानी था उसमें चीनी मिला दी, वो शरबत का रूप बन गया, और उसी में से एक गिलास निकाल के अलग से उसमें स्वाद कुछ और आ रहा है। तो उस शरबत की कमी नहीं है, उस ज्ञान की कमी नहीं है, उस बर्तन की कमी है जिस बर्तन में उस शरबत को डाला है। तो हम जो भी ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा हाथ जोड़ के प्रार्थना, देखो हम तो कहते हैं कि अगर हमें इतनी बड़ी पदवी मिली है कि ब्रह्म ज्ञानी के खोजे महेश्वर, इस परमपिता परमात्मा की बात हो रही, महेश्वर की बात हो रही, सद्गुरु की बात हो रही है, खोजे, तो हमें उस लायक बनना चाहिए। हम ऐसे भक्ति कि भक्ति लोग की अजय न समझे, रबड़ू पाना भक्ति है, रब को तो पा लिया है, छटके सारे बहम बोले कि अभी बहम में ही पड़े हुए हैं। अगर हम देखो भक्ति हमारी कैसी होगी, कब हम पूर्ण बनेंगे बताता हूं। एक पागल को आपने देखा होगा, पागल आदमी, बैरागी पागल जानते, पागल सभी जानते, पागल कैसा होता, पागल का दुनिया में कोई रिश्तेदार नहीं होता है, होता तो है मगर उसे कोई भूल गया होता कि कोई रिश्तेदार था, अपने आप को भी भूल गया होता है, उसने क्या पहना उसे दिखाई नहीं देता, उसे खाने में अच्छा मिल रहा, बुरा मिल रहा, खट्टा मिल रहा, मीठा मिल रहा, पानी मिल रहा, शरबत, कोई मतलब नहीं, देखा तो पी लिया, देखा तो खा लिया, पहन लिया, जो चप्पल है, जूते है, नहीं है, बरसात है, गर्मी है, कोई मतलब नहीं, उसे अपनी ही धुन में लगा रहता है। तो जब ऐसी अवस्था हमारी हो जाएगी पागलों जैसी, तब हम पूर्ण बनेंगे। हमें पागल, वो पागल नहीं बनना, वो तो पागल हो गया एक, हमें भक्ति में पागल होना, इस निरंकार की भक्ति में, हमें सतगुरु की भक्ति में, इस निरंकार की भक्ति में, इस ब्रह्म की भक्ति में पागल हो जाना है। और आपको बता चुका, पागल, पागल का कोई रिश्तेदार नहीं, पागल का कोई घरवार नहीं, पागल का कोई कारोबार नहीं, पागल का कोई शरीर नहीं, पागल का कोई कपड़े लेते नहीं, कुछ भी पागल का नहीं, बस वो अपने धुन में चला जा रहा है, वो पागल है। और हमें, उसे ये भी नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, उसे ये भी नहीं पता हम क्या खा रहे हैं, उसे ये भी नहीं पता हम क्या पी रहे हैं। उसके सामने उसका बाप भी आ जाए तो उसे भी नहीं पहचाने, पता नहीं कौन है, बात कर रहा वो अपने हिसाब से बात करेगा। मगर हमें इन दुनियावी रिश्तेदारों से नाता रखना है, मगर इनसे जुड़ना नहीं। हमें वो पागल बनना है कि हाँ ठीक है, उसका हमने काम किया तो उसने धन्यवाद बोल दिया, इसका नहीं किया तो कुछ गाली गलौज दे दी, कोई बात नहीं, तू भी ठीक है, तू भी ठीक है, बहुत अच्छे, बढ़िया बढ़िया, बहुत खुश, भैया बड़े बड़े ऐसे। तो हमें इसकी भक्ति में पागल होके जाना है, पागलों की तरह। वो पागल नहीं कि बस काम धाम छोड़ के लग जाओ, बस बैरागी बन जाओ, ऐसे ऐसे करते हैं, नहीं, ये भक्ति नहीं करनी है। हमें पूरी तरह से एक ऐसी भक्ति करनी है, इसकी भक्ति, काम करो तो काम करते जाओ, हाथ चलाओ, आंख, जहां हाथ चल ले आंख होगी तो काम अच्छे से होगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो सामने देखो और बस गाड़ी चलाते रहो, मगर इसका ध्यान बना के रखो, कभी किसी को बुरा नहीं बोलो, अपशब्द नहीं बोलो। अगर गलती से हमारी गलती कोई हो जाए और हमें कुछ बुरा भला कहता है तो मुस्कुरा के जवाब दे दो, निकल जाओ, मार पड़ती है तो खा के निकल जाओ, यही पूर्णता है। कभी आप सोच रहे हो छोटी मोटी बात हो गई, अरे तुम मुझे नहीं जानते, हम निरंकारी लोग हैं भैया, हम निरंकारी लोग हैं, समझे,
ऐसे नहीं बोलो, नहीं हम मत बोलो निरंकारी है, अपना कर्म दिखाओ। कर्म बोलते हैं, जुबान से तो कुछ ही बोल लो, जुबान से बोल लो मैं परमात्मा हूँ, मैं निरंकार का रूप हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं टाटा हूँ, बिरला हूँ, बाटा हूँ, कुछ ही बोल लो, नहीं कर्म बोलते हैं। आज हम जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको लग रहा हमारी कुछ भावना, मैं भी सोचता कि मैं भी बहुत ही कमी है अपने अंदर, और अब देखा काफ़ी समय से ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, तो उससे हमारे मन में भी यही विचार चलते रहते हैं, यार तो वो वीडियो बनाता है दूसरों को संदेशा देना चाहता है अपने निरंकारी संत महात्मा भाई बहन है, क्योंकि तो देखो संत जो हम लोग सत्संग जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, आप भी जाते हो, सभी जाते हैं, आज भी संगत जाना है, इसके बाद वीडियो बनाने के बाद संगत ही जाना है, वहाँ से निकलने के बाद अपने अपना दिनचर्या तय करने लग जाते हैं, तो क्या हुआ, हमें करना क्या है कि यही करना है कि कहीं भी जाओ कुछ भी, मतलब इतना ध्यान रखो हम एक ब्रह्मज्ञानी संत हैं। और ये शब्द दिन में उठते और सोते, मतलब पूरे दिन में जो भी काम करते हो, आप कहीं भी जाते हो, कुछ भी करते हो, इतना अपने मन में कि ब्रह्मज्ञानी के खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी ही आप ही परमेश्वर है, ब्रह्मज्ञानी आप ही परमेश्वर, इतना अपने आप ध्यान रखो कि आप ही परमेश्वर, यानी कि हम स्वयं खुदा हैं। क्योंकि सद्गुरु ने जो अपने अंदर बात थी वो हमारे अंदर अपनी गद्दी पे बिठा दिया, अपने वचनों पे चला दिया, तो हम ब्रह्मज्ञानी को इन बातों का बहुत ही ख्याल रखना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अगर हम गुस्सा करते हैं, दूसरों से घड़ा करते हैं, पड़ोसी की तरक्की देख के हम जलते हैं, हमारा एक मंजिल मकान है, पड़ोसी ने चार मंजिल बना लिया, कहाँ से बना लिया, इतना पैसा कहाँ से आया, साला अब तक तो कुछ नहीं कर रहा था, पैसा आया कहाँ से, चार मंजिल बना लिया, अभी तो गाड़ी थी वो 800 थी, बलेनो ले ली, 11-12 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई, नहीं करना, अरे भाई खुश रहे, दातार और दे, दातार और दे, चार मंजिल का एक और बन जाए, ऐसी भावनाएं होनी चाहिए, तभी हम ब्रह्मज्ञानी कहलाएंगे। वैसे ज्ञान लिए तो मैंने, मेरे को बहुत टाइम हो गया ज्ञान लिए, मेरे ख्याल से तो 2016 में शायद ज्ञान लिया, 7-8 साल हो गए, पहले तो 2-4 साल संगत ऐसे करी, तो बस गया संगत आते ही वैसे ही वैसा हो जाता था, ज्ञान लेने के बाद थोड़ा सा समझ आई कि हाँ यार सब कुछ यही है, सब कुछ इसी में है, कुछ अलग नहीं है। तो खास ख्याल रखना हम ब्रह्मज्ञानी संतों का, तो खास ख्याल रखना हमें ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं को इस बात का कि हम ब्रह्मज्ञानी संत हैं। हमें भगवा कपड़े पहनने को नहीं दिए, हमें कहीं जंगल झाड़ी में बैठ के तपस्या करने को नहीं दिया। अगर हम बता दिया कि जैसे कि हम जितना हम खुश होंगे दूसरों पे, उतना ही परमात्मा खुश होगा हम पे, सदगुरु मेहरबान हमेशा रहेगा। ब्रह्मज्ञानी का मतलब कहते हम तत्वज्ञानी हैं, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि जो मेरे साकार रूप को पूजेगा, आस्था रखेगा, उसे दुनिया में सारे सुखों की प्राप्ति होगी, मगर जो हमारे तत्व ज्ञान को जानेगा, तत्व ज्ञान से जानेगा और इसमें मनन करेगा, मैं उसके सदैव हमेशा उसके साथ, साथ तो पूरी सृष्टि में पूरे ब्रह्मांड में हर किसी के साथ में है, मगर जो ज्ञानवान संत महात्मा जो हैं उनके लिए बता रहा हूँ, तो परमात्मा और खुश होता है। अब देखो आप सबको बताता हूँ, अब पहले क्या होता था, मैं दुकान पे बैठे बैठे वीडियो बनाता अपना, 2-3 दिन काम हुआ, 1 दिन थोड़ा सा नहीं, कई बार नहीं होता है तो परेशान हो जाता, काम नहीं आया, परेशान हो जाता था, बहुत उदास हो जाता, मगर अब बहुत टाइम से देख रहा हूँ अपने आप को, चेंज कर रहा हूँ मैं, तो देखा कल तो आया था, कल के कुछ पैसे पड़े तो हैं, दिए है ना, क्योंकि हम सोचे ये कर ले, और के चक्कर में हम कितना भी चलते चले जाए और कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और करते चले जाओ और ही होता चलता चला जाएगा, और के चक्कर में और होता चला जाएगा, मगर हम वो नहीं कर पाएंगे जो हमें करना है। और तो कहने का भाव है कि
इस परमात्मा को देखो, है तो हर जगह, इसका और नहीं और छोर नहीं, स्थिर है एक जगह, और हमें इसी से जोड़ दिया। जब हमें इसी से जोड़ दिया है तो हमें और के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। आज का जो वीडियो है, ब्रह्म ज्ञानी संत महात्माओं को भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का। अगर हम ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा हैं, हमने ज्ञान लिया है, हम सत्संग जाते हैं, सत्संग जाना एक अलग बात, सुमरण करना एक अलग बात हो गई है, सुमरण करना एक अलग बात हो गई, नमस्कारी करना एक अलग बात हो गई, चरणों में नमस्कारी धन्यवाद करना अलग बात हो गई, मगर अगर हम इन चीजों का अमल नहीं करते, अगर तो ज्ञान लेने से कोई लाभ नहीं है। हम ज्ञानवान हैं, मगर हमें ज्ञान मिला, हम सोचते कि हमें ज्ञान मिल गया, ये 84 के चक्कर से बच जाएंगे। ऐसे कैसे बच जाएंगे, ऐसे कैसे बच जाएंगे? स्कूल में पढ़ाई हुई, ट्यूशन भी लगाया, घर में भी पढ़ाई की, मगर आप वैसे वैसे, परीक्षा आई फेल हो गए, क्योंकि ट्यूशन गए, देख लिया, पढ़ लिया, लिख लिया, घर आए थोड़ा पढ़ लिया, मगर हमें करना क्या है? हमें दूसरों से, सबसे, एक हर एक बंदे से प्यार ही करना है। कोई कितना भी बुरा कहता है, हमें भला कहता है, कैसा भी कहे, कोई छीन के भाग जाता है, कोई झूठ भी बोल लेता हमारे प्रति, हम दोषी नहीं, हमें दोषी ठहरा देता है, झुक जाओ। मगर ये तो है ना, कहते हैं ना कि अगर हम बाहर की दुनिया में कुछ भी करके आ जाए और अपने माँ बाप के दिलों में हमारी बहुत अच्छी पोस्टिंग है, पहुंच है, कि माँ बाप के नज़रिए में हम बहुत अच्छे हैं, वहाँ अच्छे थे और अच्छे हो, तो क्या लेना देना? क्योंकि हमें वो काम करना जिससे हमारे माँ बाप खुश हों, ठीक है? कि माँ बाप खुश है ना, तो हम वैसे ही हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमें बिना करे ही सब कुछ मिल जाएगा, बिना कहे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि हमारे माँ बाप हम पे मेहरबान है। और ये सदगुरु इतना दयाल है, दीन दयाल, तू दाता भक्तों की झोलियां भर दे, दीन दयाल। भजन तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, संगत जाते बहुत अच्छे भजन होते हैं। तेरे एहसान का बदला, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म तूने किया ऐसा भुला। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म किया तूने ऐसा भुलाया जा नहीं सकता। हम ये याद करते किताबी बातें और वहां जाके बोल लेते, इससे क्या लाभ है? पर्चा बना के ले जाते, वहां बोल लेते, दूसरों को शिक्षा दे के आ जाते, क्या अपने आप को शिक्षा देते? कहावत आप लोग सभी जानते हैं कि अपने कोलर में झाको, कि दूसरों को समझाने से अच्छा अपने आप को समझे। हम तो यही कहते हैं कि देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद, अब मैंने सोचा बस ऐसे वीडियो बनाते रहना, क्योंकि जब से वीडियो बनाना शुरू किया तो हम भी ये अपने आप को बार बार ही, यार बहुत अच्छा तू बोलता है, दूसरों को पहुंचाता संदेशा, तूने भी ऐसे करना। अब मैं ऐसे धीरे धीरे धीरे, मैं तो चाहता एकदम ऐसे हो जाऊं, सब भूल जाऊं, अपना क्या है कुछ नहीं। देखो कि कहते कि हमारे पास धन दौलत है, अगर वो दौलत हमारी नहीं है तो दौलत से खरीदी हुई चीज हमारी कैसे हो सकती है? जब ये तन हमारा नहीं है तो इस तन से जो भी उत्पन्न हमने किया है, चाहे मकान बनाए हैं, दौलत इकट्ठी करी है, बीवी बच्चे हुए, तो वो हमारे कहाँ से हो सकते हैं? कि जरिया कोई भी हो सकता है, परमात्मा देने वाला एक ही है। तो आज का जो वीडियो यही कि ब्रह्म ज्ञानी संत महात्माओं क्या नहीं करना चाहिए भूल के भी। अब ये बस यही आपको कहूँगा कि कभी ऐसा ना हो कि हम इस भ्रम में पड़े रहें, बस हमने ज्ञान ले लिया, सत्संग जाते हैं, माता जी के दर्शन हो जाते हैं, नमस्कारी हो जाती है, कुछ पर्चियाँ कट जाती हैं, बस अपना तो उद्धार हो जाएगा। ये हमारी ही भूल है, अभी हम भ्रम में पड़े हैं। जब तक हम उन वचनों पे नहीं चलेंगे, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ही आप ही परमेश्वर, ये बात याद रखनी हमने कि आप ही परमेश्वर।
ज्ञान ले लिया हम परमेश्वर नहीं बन गए। ज्ञान लेने से परमेश्वर नहीं बन जाता है। आपने देखा होगा दूध वही है, कई बार चाय फट जाती है। तो क्यों फट जाती है जरा सोचिए, चाय फट जाती क्यों फट जाती है, वही तो कमी होगी। तो ऐसे ही है, हम भ्रम में ना पड़े रहे कि ज्ञान वही है, अब ये कैसे, अलग अलग बर्तन है, किसी बर्तन फट जाती चाय, दूध ही फट जाता है, क्यों फट जाता है, कोई तो रीजन होगा। अगर हम इस भ्रम में पड़े हुए हैं, अगर हम इस भ्रम में पड़े हुए हैं कि ज्ञान ले लिया है सब कुछ, बस क्या दिक्कत है, अपना तो पार उतार हो गया, ज्ञान लिया हमने अब तो, अब आराम से काम धंधा चल रहा है, काम धंधा तो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा, उतना ही चलेगा जितना चलेगा, कि परमात्मा जो देना वो देगा, तो जो किस्मत है वो चलकर आएगा, नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। ये हमारे साथ खुद होता है, दुकान पे सब कुछ करने के बाद भी ग्राहक चला जाता है, बोलता भाई महंगा है, बता नहीं 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 फिर मैं अभी बताता हूँ कल शाम को, भाई बेटे से पूछ के, अपने पति से पूछ के, ऐसे ऐसे बता, चला गया चला गया। भाई हम थोड़ी उसको घर से बुला के लाए थे, हमने अपना काम कर दिया, दुकान खोल के बैठ गए, अब देने वाला ही है, अब भेजा क्या नहीं भेजा, तो ऐसे ही होता है। तो हमारे जो भी ज्ञानवान संत महात्मा हैं, भूल से भी ऐसा ना करें, क्योंकि अगर भूल से हम ऐसा करते हैं, अनजाने में करते हैं तो बख्श दिए जाते हैं, जानबूझ के करते हैं तो उसकी कोई गलत बख्शे वाला नहीं है, कि जो पढ़ा लिखा इंसान गलती करता बख्शा नहीं जाता। एक मूर्ख अगर कर देता है तो पागल है, कोई बाने छोड़ दो, और एक जो रोज गलती करता है वो तो कोई बाने की आदत है, ये तो ऐसे ही करेगा, चलने दो जैसा चलता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हम ज्ञानवान हैं, और वो तत्व जो है एक सदगुरु ने कृपा करके हमारे अंदर डाल दिया है। इस शरीर में जो बैठा हुआ था उसकी जानकारी हमें, इसका अनुभव करा दिया है। है तो सबके अंदर परमात्मा है, तो हर जगह हर घर में बासा है, जो पूजा करता वो भी, जो नहीं करता वो भी, जहाँ मांस मच्छी खाया जाता मांस मदिरा का सेवन, वहाँ भी है परमात्मा, हर जगह है। हम निरंकारी के सामने तो नहीं, मतलब हर किसी के साथ में, पूरी दुनिया में है, और हर किसी के घट में बैठा हुआ, मगर हमारे घट में जो हमें उसका अनुभव करा दिया है कि अंदरों बाहरों इक्को जानो। तो जब इसका अनुभव हो गया है, अगर हम स्कूल में जाते हैं और क्लास में बैठ जाते हैं और सामने कुर्सी टीचर बैठा, बेशक उसकी नज़र आगे वाली लाइन पर चार लड़के बैठे, तो बेशक जो स्कूल में बैठा हुआ टीचर आगे वाली बैठे चार लाइन में, चार आगे वाली लाइन में बैठे चार लड़के उन पर नज़र है, मगर जो पीछे बैठता है वो भी बच्चा डरता है, बीच में बैठा वो भी डरता है कि कहीं टीचर मारे ना, मेरी तब देख रहा, मैं नकल कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो मगर परमात्मा हमेशा साथ है, हमें इसका डर नहीं है, हमने ज्ञान ले लिया हम बहुत बड़े वो हो गए हैं, ऐसा नहीं, ये हमारा भ्रम है। अगर हमने कुछ कह दिया ज्ञानवान को, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत कुछ ऐसे हैं जो हमें, हमें इशारों इशारों में सब कुछ समझा दिया बातों, सतगुरु ने, हर संगत में जाते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, नए शब्द आते हैं, कि हमें नफरत तो किसी से नहीं करनी, कहते प्यार सजाता गुलशन को और नफरत वीरान करे, प्यार करना है, कोई भी उल्टा सीधा कितना भी कहता है शांत रखो, शांत मन से उसकी बातें हमें सुन लेनी चाहिए। हम तो यही सोच रहे कि हमसे भाई मेरे प्रति नज़रिया लोग क्या है ये हमें नहीं पता, मगर मैं तो यही सोचता हूँ कि हर कोई हमें अच्छे ही नज़र आए। कहते हैं अंधे को हरी भरी दुनिया नज़र आती है, कहते कहते हैं जिंदगी हर पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है, गिले सिके में कितने भी हो हर हाल में हंसते रहना, क्योंकि जिंदगी ठोकरों से ही संभलती है। कि पढ़ो तो एक किताब है जिंदगी, और देखो तो एक ख्वाब है जिंदगी, सुनो तो एक बयां है जिंदगी, पर सचो तो ये साथियों कि हंसते रहो तो बहुत ही आसान है जिंदगी। आज का जो वीडियो आप जी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलते हैं।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, देखते हैं आप जी की कृपा से क्या हाजिर करता हूँ। तब तक के लिए आप सभी संत महात्माओं, हमारे भाई बहनों के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी।